अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। और ये आपका रैशनलाइज सिलेबस में शामिल है और 15 भी शामिल है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, बिल्कुल। और यहाँ पर है साइन एक्स का एंगल जीरो डिवाइड बाय एक्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का है और यहाँ पे क्या रूल हो रहा है। देखिए, आपको एक रूल बताया गया था कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो हो और साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स हो तो ये वन होता है, इन्फिनिटी में नहीं है ये, ठीक है। और इस केस में ये भी एंगल है बट ऊपर डिग्री में है, नीचे एक्स है। तो आपको पहले एक्स डिग्री को डिग्री या रेडियन में ले जाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डिवाइड बाय 180 के साथ, तो ये रेडियन में आपका 180 पाई डिवाइड बाय 180 एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो में साइन एक्स डिग्री की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना कि पाई डिवाइड बाय 180 इंटू एक्स, सिंपल। और नीचे आप देखिए क्या है, जस्ट एक्स है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर अपनी सवाल की सिचुएशन बनानी है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट, मैं थोड़ी सी जगह भी शुरू में दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और ये साइन और पाई डिवाइड बाय 180 एक्स और डिवाइड बाय, अब मैं यहाँ पर खुद से लगा रहा हूँ पाई डिवाइड बाय 180, ऐसे ही है। और यहाँ पर इसके साथ एक्स तो ऑलरेडी है, और जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से लिखी है तो आपने इसका 180 डिवाइड बाय पाई भी साथ लिख देना है, यानी ये इस तरह से लिखे कि है भी और नहीं भी है। अब ये सारी फॉर्म ऊपर भी 1 है नीचे ये है, तो मैं सारी फॉर्म जो है ना ये निकाल दूंगा लिमिट से बाहर। तो ये देखें कि ये आपकी जो है ना 1 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय पाई बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का 1, नीचे से ये वैल्यू, और अंदर आपके पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर आपके पास है साइन एक्स सॉरी पाई ओवर 180 एक्स डिवाइड बाय, नीचे आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 180 एक्स। आपके क्वेश्चन की ये सिचुएशन कंप्लीट हो गई। ये आपको पता है ये सारा वन हो गया, पाई नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 180 वैसे ही रहेगा, इस सब का आ जाएगा 1 और आपका स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है पाई डिवाइड बाय 180। आई होप कि आपको ये अब डिटेल समझ आ गई होगी आखिर ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन पर क्लिक भी कर ले, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।